सी, कैन आई राइट इट एज 3y + -9? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सबको पता है ये क्या ऐसे लिख सकते हैं? आपने ब्रैकेट खोली सीखी हुई है ऑलरेडी। तो कौन कौन से नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, टर्म्स कौन कौन सी होंगी? 3y and -9। -9 जो भी नेगेटिव नंबर होता है हम उसको ब्रैकेट में डालते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है उसको ये बता रहा है कि वो -9 है। -9 भी एक नंबर है जिसको हमने सेपरेट लिखना है। अगर हम ये बोलें कि -9 एक इंटीजर है तो उसको इकट्ठा लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि माइनस कहीं और नाइन कहीं और। टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस आपस में प्लस हो रही है उनको हम बोलेंगे वो उसकी टर्म्स है। ओके, सिमिलरली यहां पे अभी मुझे सी, अगर मैं इसको सी लेती हूँ, 4x² - 5x + 10। ए सेक्शन, लास्ट गर्ल्स हुआ सिटिंग टुगेदर ऑन माय राइट साइड, मेरी राइट साइड पे। हाँ जी, आ गया हो बेटा। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितनी टर्म्स आपको दिख रही है बेटा इस पे बोर्ड पे? देखो, थ्री थ्री टर्म्स। टेल मी हाउ मे विच आर दोज, नाम बताओ उनके। नो, टर्म्स नो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टर्म्स क्या है तो आपने गलत बताया है। इसके भी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट द टर्म्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या मिस किया आपने? केयरफुली देखो जरा, 4x² इज ऑल राइट, 10 इज ऑल राइट, व्हाट टू स्पीक अबाउट दिस मिडल टर्म? -5x, प्लीज रिमेम्बर, इट इज फाइन नाउ, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। ओके, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, प्लीज राइट डाउन थ्री टर्म्स। खुद लिखो, अपने आप लिखो नोटबुक में, कौन सी टर्म्स है? 4x² - 5x and then 10। -5x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जी। अगर नेगेटिव मिस हो गया आपका तो उसके जीरो नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क टिल हियर? यहां तक सबको अगर समझ आ गई है तो आगे भी समझ आने वाला है। कोई डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्क कि टर्म्स को हम कैसे काउंट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एडिशन के आसपास जो भी नंबर्स हैं अब वो सारी टर्म्स होती हैं, चाहे वो 10 टर्म हो, 7 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, वट एवर। समझ आ गई सबको? पर्टिकुलरली हम एडिशन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहे, ये भी ध्यान देना। ये नहीं कि आपसे कोई पूछे कि 5x में कितनी टर्म्स हैं, आप बोलोगे 5 and x। नो, प्रोडक्ट को नहीं देखना हमने, ठीक है? आप बोलोगे उसमें एक ही टर्म है 5x। ओके, चलो अभी आगे करते हैं। ये सेकंड आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता चल गया देख के आपको कि क्या होती है, फिर आपको ये पता चल गया कि टर्म्स क्या होती हैं, कैसे काउंट करते हैं और कैसे लिखते हैं। ओके, उसके बाद नाउ अंडरस्टैंड कि थर्ड थर्ड नंबर इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होती है? ये वर्ड पढ़ा हुआ है आपने बुक में? यस, मोनोमियल मीन्स, मोनो मीन्स व्हाट? मोनो मीन्स वन। यस, आई कैन सी हैंड्स, आपको पता भी होगा, साइंस में भी पढ़ते हो आप, राइट? राइट डाउन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। इसको अंडरलाइन करो, ओनली वन को। ओनली वन आपको क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि देयर इज नो एडिशन साइन। आपको एडिशन साइन पूरी उसमें दिखेगा ही नहीं,
ठीक है। बार बार हम एडिशन साइन को फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे ही वो ऐड हुए वैसे ही वो टू टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है बेटा, तो अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वो एग्जांपल लिखेंगे जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है और वो उसमें जो है वो साइन कोई भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो। प्लस का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये कि 5x हो या -5y हो, वो सिंगल होना चाहिए, वो किसी से प्लस नहीं हो रहा। ये सारी हमारी क्या होंगी, मोनोमियल्स। ठीक है, आपके पास 9z हो गया, यू कैन से 3m -3m। ठीक है, -3m प्रोडक्ट हो रहे हैं आपस में, -3 एंड m आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। इसको ध्यान देना आप, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, आपको पता है ये सिंगल ही बात कर रहे हैं हम, सारे अलग अलग है। वी हैव पुट कॉमा 5x कॉमा दिस इज सेपरेट, -5y इज सेपरेट, 9z इज सेपरेट, -3m इज सेपरेट, कोई भी आपस में प्लस नहीं हो रहा, ये सिंगल 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 आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर मोनोमियल। ठीक है, आपको इनको एग्जाम्पल की फॉर्म में याद करना है, कोई आपसे आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला इसके बारे में 7th क्लास में, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, राइट। उसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल का होता है जिसमें टू टर्म्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ, यहाँ पे टू टर्म्स होनी चाहिए इसमें। टू टर्म्स क्या करेंगी, अगर आपको टू टर्म्स दिख रही हैं तो इसका मतलब आपको वन एडिशन साइन दिखेगा उसमें। क्या वन से ज्यादा दिख सकते हैं आपको टू टर्म्स में, इमेजिन करो। एग्जाम्पल बताओ, हु इज टेलिंग मी एग्जाम्पल नाउ, आप बताओ सोच के, बाइनोमियल का कोई एग्जाम्पल। हाँ जी, 7th A में फर्स्ट चाइल्ड कॉर्नर में, ही इज रेजिंग हिज हैंड। हाँ जी बच्चे, आगे आगे आ जाओ। फोर 4x एक्स +9y, फाइन, वेरी गुड, यू कैन राइट 5y -7। क्या ये बाइनोमियल है 5y -7? रेज योर हैंड हु से यस। डाउट क्यों हो रहा है, व्हाई डाउट किस लिए हो रहा है? 7B फर्स्ट कर बता दो, ये इज इट बाइनोमियल 5y -7? मैंने ठीक ठीक है यहाँ पे, यस मैम, यस व्हाई, मैंने मैम, तो बिकॉज इट इज हैविंग टू टर्म्स देर आर टू टर्म्स, मैम, यस बट यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन साइन है, मैंने बोला था कि एक एडिशन साइन होना चाहिए। यस मैम, बट बिफोर माइनस देयर इज अ प्लस ऑलवेज। नेगेटिव साइन जो बना है वो यहां से, इट इज 5y +-7, दो नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, कौन कौन से, 5y एंड -7, टू टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। ठीक है, दिस इज बाइनोमियल। इसी तरह आपकी ट्राइनोमियल आएगी जिसमें तीन टर्म होंगे, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया इसमें आपको दो एडिशन साइन दिखेंगे, टू एडिशन साइंस दिखेंगे हमेशा, ये भी ध्यान देना। ओके, एंड जब हम टू की बात कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव साइन तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा, आपको पता है, एग्जाम्पल लिख लो इसके, अब आपको समझ आ चुकी है। यू कैन से 3x +9, ओके, यू कैन से 5m -1 n, दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल जिसमें आपको तीन टर्म दिख रही हैं, कौन कौन सी दिख रही हैं, 3x² -7x एंड 9, 5m -1 एंड n। माइनस साइन बहुत बच्चों की रॉन्ग हो जाता है, दे फॉरगेट टू राइट माइनस साइन, माइनस अगर नहीं लिखा, अगर आपने 1 लिख दिया वहां पे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके,
अभी ट्राइनोमियल के बाद जितने भी आपके और पॉलिनोमियल्स होती है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती है, लंबी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ऐड करते जाओ लंबी एक्सप्रेशन बनती जाएगी। तो इनके बाद ट्राइनोमियल के बाद जितनी भी एक्सप्रेशन होती हैं आपकी, उनको हम बोलते हैं इन जनरल वी स्पीक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है। ये चीजें आपकी अगली क्लासेस में भी काम आएंगी, इसलिए आपको पहचान होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपसे पूछा जाएगा कि राइट अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। वो यहीं से ही निकल के आया है, पॉलिनोमियल हैज कम फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली। पहले छोटी थी, फिर और बड़ी हुई, और बड़ी हुई, और बड़ी हुई, जब और बड़ी होती गई तो हमने बोला कि ये तो पॉलिनोमियल ही है, ठीक है बेटे। तो आपके पूरे इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो कि पॉलिनोमियल है, टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, एंड क्या है। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि टर्म्स आपने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। टिल हियर एवरीबॉडी इज रिटन, मैं पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं लिख रही हूँ, आपको पता चल गया कि मोर देन 3 टर्म्स है, तो आप कुछ भी लिख लो, अपनी मर्जी से लिख सकते हो कुछ भी, 3 से ज्यादा है तो। अदरवाइज हम इसको भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ये पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स ही हैं बेसिकली, ये नहीं कि मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाइनोमियल जो है पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी पॉलिनोमियल है, बट वो एक स्पेसिफिक उसको नाम दे दिया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट टर्म इज आपका सेवन्थ पार्ट जो है, इसमें सेवन्थ पार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टर्म्स आपको पता चल गई कि टर्म्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, टर्म्स टर्म्स आपके पास, हम यहाँ पे लिखते हैं -9y, यहाँ पे हम लिखते हैं 11z, क्योंकि टर्म तो एक एक ही लिखी जाएगी ना, ये तो आपको पता ही है। क्या मैं इसके साथ कुछ और प्लस करके लिख सकती हूँ टर्म्स में, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे -9y+1 लिख सकते हैं यहाँ पे? नो, अगर मैं इसमें प्लस करके कुछ लिखूंगी तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, इज इट फाइन? हाथ खड़ा करो कि हमने यहाँ पे टर्म्स में मैंने सिंगल सिंगल नंबर क्यों लिखा है, आपको रीजन समझ आ गया? यस काम हम खुद ही कर रहे हैं ना, अपनी अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे को एग्जांपल दो कोई एक और टर्म का, सी सेक्शन, लास्ट गर्ल, हाँ जी आगे आओ, कोई एग्जांपल दो मेरे को टर्म का। अपनी मर्जी से कोई भी, मैम 5x ठीक है, 5x, ओके। नाउ टेल मी, अगर आपने 5x बताया, इसमें कौन सी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं? फाइव एक्स में ऐड तो कुछ भी नहीं हो रहा, सबको दिख रहा है, कोई एडिशन का साइन नहीं है, 5x फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स यहाँ पे हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय जेड, व्हाट अबाउट हियर, यहाँ -9 मल्टीप्लाई y -9 मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड, सिट डाउन। सो दीज आर द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइंग विद देम विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स, राइट डाउन फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट डाउन, -9 एंड y, इसमें क्या होंगे, 11 एंड z,
इसमें होंगे 5 10 x। इज इट क्लियर? अब हम फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन के साइन को ढूंढ रहे हैं। जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, हम सर्च कर रहे थे कि कितनी चीजें आपस में प्लस हो रही हैं, तो उतनी हम जो है उसको बोले कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स में हम ढूंढते हैं कि हमें सिंगल चाहिए, कोई प्लस का साइन नहीं चाहिए। फैक्टर्स में वी सर्च फॉर कि कौन सी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको हम बोलेंगे वो फैक्टर्स हैं। इज इट क्लियर? नाम अलग अलग हो रहा है। जब आप मल्टीप्लीकेशन का साइन देख रहे हो तो उसका नाम फैक्टर्स हो गया, जब आप एडिशन के साइन देख रहे थे तो आपका उसका नाम हो गया था कि वो अलग अलग टर्म्स हैं आपस में प्लस हो रही हैं, और वो क्या बना रही हैं, एक नई चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या चीज है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाम समझ आ गए सारे आपको? यस रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू हु हैव अंडरस्टूड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको बोला जाएगा प्लीज सिट डाउन। ओके, हैंड्स डाउन। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको शक्ल सामने आ जानी चाहिए कि कैसी होती है। आपको बोला जाए कि टर्म्स हैं, राइट द टर्म्स, आपको समझ आ जानी चाहिए क्या पूछ रहे हैं वो। कॉमा लगा के आपको लिखने पड़ेंगे सो मेनी टर्म्स, राइट? और टर्म जो होगी, सॉरी, जो कॉफिशियंट, ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो टर्म के अंदर होते हैं। सबसे पहले आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है, ठीक है, एक्सप्रेशन आई, उसके बाद आपके टर्म्स बनी, उसके बाद आपके फैक्टर्स बने, ठीक है? ये तीन चीजें टर्न बाय टर्न आएंगे। ओके, नाउ अदर थिंग वी हैव टू राइट, सेम टेबल जो हमारा बना हुआ है, इसी में से हम एक और चीज, नई चीज सीखेंगे, वो है कॉफिशियंट। कॉफिशियंट एक नया नेम है जो 7th क्लास में यूज हो रहा है आपके लिए, बार बार यूज होता है, और कॉफिशियंट भी बहुत तरह के होते हैं। लेट अस थिंक अबाउट दैट। इसी का ही आप नेक्स्ट पार्ट लिखो, कॉफिशियंट। ये टेबल जो है, एक इट्स गिविंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। टेबल को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, फैक्टर्स को, टर्म्स को, कॉफिशियंट को, राइट? तो अभी कॉफिशियंट एक न्यू नेम है जिसको आप टर्म्स में से ढूंढोगे, ठीक है? टर्म आपके सामने ऊपर से लिखी हुई है पहले से, ये आपके पास टर्म थे, ये टर्म थे, ये टर्म थे। टर्म के अंदर से अभी हम कॉफिशियंट की बात करेंगे। ओके, अब कॉफिशियंट क्या होता है? कॉफिशियंट का मतलब है कि अगर ये टर्म है मेरे पास, मैं पूछूंगी कि y के साथ क्या लगा हुआ है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे -9, तो इसका मतलब कि y का कॉफिशियंट क्या हुआ? -9। अगर मैं पूछूंगी कि -9 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे y, तो y जो हुआ किसका कॉफिशियंट हुआ? -9 का। समझ आ गए? यस जो नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक दूसरे के कॉफिशियंट होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कॉफिशियंट ऑफ, राइट डाउन, कॉफिशियंट ऑफ वाई, कॉफिशियंट ऑफ वाई इज इक्वल टू -9। वाई के साथ लगा क्या हुआ है? ऊपर एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है? एंड यहाँ पे कॉफिशियंट शॉर्ट फॉर्म में आई एम राइटिंग कॉफिशियंट ऑफ 11, क्या बोलोगे आप? जेड जेड, उसके साथ आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली जेड है। यहाँ पे लिखो इसके नीचे कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
चैप्टर आपने किया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, लेकिन ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि आपकी अभी बिगनिंग है, 7th क्लास में शुरुआत है इन सारे नंबर की, कि टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कॉफिशियंट क्या होता है, फिर उसके बाद यूज करते जाओगे आप इन एवरी क्लास। टिल हेयर इट इज क्लियर? आई एम गोइंग टू क्लियर इट। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे छोटे छोटे। कुछ पूछना है किसी ने? कॉफिशियंट आपको पता चल गया? यस लेट अस डू एग्जाम्पल्स नाउ, क्वेश्चंस करते हैं अभी। राइट कॉफिशियंट ऑफ, एक्स इन -5xy। कॉफिशियंट भी टर्म के अंदर होता है और फैक्टर भी टर्म के अंदर होता है, याद रखना है इसको। ओके बी सेक्शन दैट सेकंड बेंच ऑन द राइट साइड, बॉय एच पे जो बैठा हुआ है। यस आज बेटा, व्हाट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स हियर? -5y -5y। यू कैन से -5y एक्स के साथ जो भी प्रोडक्ट हो रहा है। अगर कहीं बच्चों को सोचने में प्रॉब्लम आए तो इसको इस फॉर्म में याद कर लो कि आपस में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जिसके बारे में कॉफिशियंट पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको छुपा लो। यू कैन हाइड इट विद योर हैंड, विद योर फिंगर। कॉफिशियंट ऑफ एक्स दे आर आस्किंग, एक्स को छुपा दो, वट एवर यू सी अराउंड एक्स के आसपास वो सारा का सारा उसका कॉफिशियंट होगा, इंक्लूडिंग द साइन। इज इट फाइन बेटा? साइन को भी देखना है आपने साथ के साथ। अगर मैं आपसे पूछूंगी कॉफिशियंट ऑफ वाई, तो आप वाई को छुपा दोगे, बाकी सारा जो होगा हमारे पास वो बन जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आपको समझ आ गई ये चीज। चलो अभी एक और क्वेश्चन लिखो। मेक अ फैक्टर ट्री, फॉर द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, बाद में आप रिवाइज कर सकते हो। फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² -3xy। एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, हमने इसका फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री का मतलब ही यही है कि हमें फैक्टर तक पहुंचना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें पता है इसमें टू टर्म्स हैं, तो हमें टू एरोस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, और हम लिखेंगे 5x² एंड -3xy। ध्यान से लिखना है इसको, नेगेटिव साइन को ध्यान से लिखना है। दीज आर टर्म्स, सामने इसके लिख दो। आपकी लाइंस बनी हुई है नोटबुक में, लाइंस के सामने एक लाइन बनाई, उसके सामने उसके नंबर्स लिख दो, 5x² एंड -3xy। अब हमने लिखनी है फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए हमने ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। आपको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में पहले लिख रही हूँ, इट इज 5 × x × x। आपको दिख रहा है तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तब ये जाके 5x² बना है। तो इसमें हमारे पास तीन जो है वो हमें एरोस बनाने पड़ेंगे। ये चीज आपको मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, जस्ट थिंकिंग के लिए। जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है देखने में कि अब क्या क्या लिखना फैक्टर्स में है, और कुछ मिस ना हो जाए आपका, दैट्स व्हाई। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो ये सारे के सारे नंबर आपके नीचे आ जाएंगे, दीज आर फैक्टर्स। ये आपके टर्म्स हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हियर, अगर आपको ये देखना है कि आपस में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 × x × y, ये मैंने क्रॉस में नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन डालते हैं तो वो एक्स के साथ कंफ्यूजन हो जाती कई बार, तो हम यहाँ पे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है वैसे, आपने अभी अंडरस्टैंड कर लो बस। -3x एंड y, दीज आर द फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट है फैक्टर ट्री, हमेशा आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस क्लास में। ठीक है बेटे, किसी को डाउट है कि कैसे हम लिख रहे हैं?
इसको अंडरस्टैंड करो, फोकस ऑन दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला -3 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेम्बर। अगर आपने -3 के बदले में 3 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपको ये पता चले ये नेगेटिव को हमने यूज कैसे करा। एक और एग्जांपल लिखो, आई एम नॉट क्लीनिंग फ्रॉम हेयर, क्योंकि मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आई कैन स्किप, ठीक है। एक इसका बी पार्ट एक और लिखो, बिल्कुल ऐसा ही। राइट द मेक अ फैक्टर ट्री फॉर द एक्सप्रेशन -m+11n। छोटा सा नंबर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, -m+11n। ओके, तो यहां पे भी आपको दिख रही है, चलो एक और टर्म लिख देते हैं इसमें, 9 लिख देते हैं, ताकि आपको 3 टर्म्स वाला हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि जितनी टर्म्स होंगे उतनी आपको ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी, उतनी आपको ये जो पैटर्न बनाते हो उसमें आपको उतने ही एरोज और वो बनाने पड़ेंगे। ओके, तो इसमें आपको दिख रहे 3 टर्म्स हैं, तो हम 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। फर्स्ट में हमारे पास आ गया -m, देन 11n, एंड देन 9। तीनों को हमने अलग अलग लिख लिया, इट्स वेरी इजी टू सी फैक्टर्स 11 एंड 10, इट इज वेरी इजी टू सी 3 × 3, यू कैन से, क्योंकि हमारा जो फैक्टर ट्री होता है वो प्राइम फैक्टर्स तक पहुंचता है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबने सीखी हुई है, तो प्राइम फैक्टर्स लास्ट में जितना हो सकता है उसको ब्रेक करो, 3 प्राइम नंबर है इसलिए हमने इसको यहां छोड़ दिया। ओके, एंड वेरिएबल तो चलो वेरिएबल है ही है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, व्हाट शुड आई राइट हियर, 1 एरो और 2 एरोस -m में क्या लिखना चाहिए मुझे? आई हैव टू पुट 2 एरोस बिकॉज यहाँ पे -1 साथ में आ रहा है एंड यहाँ पे m आ रहा है। जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो हम नेगेटिव को सेपरेट करेंगे, प्लीज रिमेम्बर। जब हम नॉर्मल नंबर था यहाँ पे -3, तो हमने उसको सेपरेट नहीं किया। जब हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, -1 × m, तो -1 को हमें सेपरेट करना। इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल इसके साथ सेग्रीगेट, आपको पता चल गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। फैक्टर ट्री आपको समझ आ गया, यू नो हाउ टू डू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यू हैव अंडरस्टूड फैक्टर्स, कॉफिशिएंट आल्सो यू हैव अंडरस्टूड। ओके बेटा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लीज रिवाइज दीज ऑल, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ओके, प्लीज प्रैक्टिस इट, नेक्स्ट टाइम फिर और करेंगे। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बेटा।